दार्जिलिङको जोरबङ्ला सुकीपोखरी खण्ड विकास अधिकारी सुप्रतीक शाहले लकडाउनको अवधिमा सुकी बजारमा विशेष गरेर सामाजिक दूरत्व पालन नभइरहेको बताएका छन्। यसबारेमा स्थानीय मानिसहरूले पनि बिहानको समय हुने गरेको भिडभाडलाई लिएर आपत्ति जनाएको उनले बताएका छन्। यसै गरी उनले क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई सामाजिक दूरत्वको पालन गर्दै सुरक्षित बाँच्नको निम्ति गर्नुपर्ने विभिन्न पहलहरूबारे पनि जानकारी गराएका छन्। आज 13 अप्रिल है, मिन्स लकडाउनका 20 दिन चलाए आया। अभी यहाँ पर जो देख रहा है पब्लिक को एसेंशियल कमोडिटीज कलेक्ट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा सुबह जब मिल्क बेचने के लिए आया ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, इसके लिए लोकल पीपल ऑब्जेक्ट कर रहा है। और इसके बजाय अभी कुछ दिन पहले से ही BDO ऑफिस का जो ग्राउंड है वहाँ से ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और भी अरेक प्रॉब्लम है वेजिटेबल सब्जी के लिए, सब्जी जो जो सब्जी का वेजिटेबल शॉप है वहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग हो रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। यहाँ पर ब्लॉक में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप और सेल्फ एम्प्लॉयर के लिए सब्जी बेचने के लिए एक शेड ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ पर मैं अपील करता हूँ जो सेल्फ ग्रोअर और सेल्फ एम्प्लॉयर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है, उसको ज़्यादा पेश है वहाँ पर आने के लिए सब्जी बेचने के लिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। वहाँ पर ज़्यादा जगह भी है गैदरिंग हटा करके, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वहाँ पर वो सब्जी बेच सकता है, यह मैं अपील कर रहा हूँ।